एक मिनट खैरनार साहब बहुत देर में पेशेंट पूर्वक वेट कर रहे हैं। खैरनार साहब आपका सवाल, कुमार भाई आपका जवाब जरूर लूंगा मैं, मुफ्ती साहब की बात करूंगा, लेकिन माफ कीजिएगा उनसे ऑडियो कनेक्टिविटी नहीं हो पाई थी। अच्छा नहीं लगता है या किसी गेस्ट को आप इतनी देर बिठा के रखे। खैरनार साहब मेरा बड़ा सीधा सवाल है, आपको क्या लगता है आखिरकार टीम अन्ना क्यों टूटी? क्या आइडियोलॉजिकल बॉन्डिंग इतनी कमजोर थी? हेलो, मेरे लिए है। देखिए अन्ना जी को मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैंने काफी अच्छा अनुभव लिया है। अन्ना दिखते सीधे साधे लेकिन इतने सीधे साधे नहीं है। दिल्ली का अनशन छोड़ दिया तो महाराष्ट्र में वो अनशन कैसे खाते पीते करते हैं वो हमने देखा है, महसूस किया है। और अन्ना को किसी भी अच्छे लोग साथ में रखना नहीं चाहते, अन्ना को खाली पब्लिसिटी चाहिए। जो भी उनको पब्लिसिटी मिलाकर देंगे उनके साथ वो हमेशा जाने के लिए तैयार होते हैं, जिससे वो नहीं होता है उनको छोड़ देते हैं। और अन्ना का जो आप लोगों ने अन्ना को जो उठाया है, अन्ना की जो एक प्रतिमा बनी है वो भुनाने के लिए और देश में जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो स्थिति अराजकता पैदा हो रही थी, कई आंदोलन हो रहे थे और लोगों में एक रोष था भ्रष्टाचार के विरोध में, तो ये परिस्थिति को ढांपते हुए अन्ना का इस्तेमाल कराकर अपनी रोटी सेकने के लिए कुछ स्वार्थी लोग आगे आए, होशियार परंतु स्वार्थी लोग आगे आए, उन्होंने संघ बनाया और ये आंदोलन आप लोगों ने बहुत अच्छी हवा दी सभी मीडिया वालों ने, और कुछ राजनीतिक दलों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इनको साथ दिया। शुरू में बहुत अच्छा उनको समर्थन मिला और उससे ये जो लोग हैं वो इतने ज्यादा उत्साह उल्लाहित हो गए कि इनकी भाषा पर नियंत्रण नहीं, इसके आचार विचार बहुत ही गंदे थे। प्राइम मिनिस्टर एमपी एमएलए के विरोध में इन्होंने जो गंदी भाषा इस्तेमाल की वो किसी भी सभ्य आदमी को पसंद आने लायक नहीं थी, और ये तो ये देश को हिटलर शाही के रास्ते। माफ कीजिएगा खैरनार साहब से हमारा संपर्क कट गया है, कुछ वीडियो लिंक की प्रॉब्लम है। कुमार साहब, मुफ्ती जी ने आपसे सवाल पूछा। बिल्कुल, मैं मुफ्ती साहब के सब जवाब देता हूँ। पहली बात तो खैरनार साहब कंट्राडिक्टरी बात करें, एक तरफ तो कह रहे हैं कि अन्ना बहुत तेज हैं, अन्ना बहुत खाते पीते अनशन करते हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अन्ना का ये लोग यूज कर लिया है इन्होंने, तो अगर तेज है तो यूज कैसे होगा जो गौरव कह रहे हैं, जो सब कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ। मुफ्ती साहब की बात है, हमने देश को धोखा दिया। बात करें लफाजी की जगह आप ईमानदारी से बात करें, आप सुनेंगे बात ठीक नहीं है। अरे आप सुनेंगे सुधांशु जी, आपकी समस्या ये है कि आप वो अगर अन्ना जी के बारे में कह रहे हैं और उसके बाद अगर आप यूज नहीं कर सकते क्या? अरे आप सुनेंगे तो अब देखिए मैं अकेला बोलने वाला हूँ, सुन नहीं रहे मेरी बात। मुफ्ती साहब की बातों का जवाब दे रहा हूँ, सुधांशु जी आपकी बातों का जवाब नहीं दे रहा, जानना में चाहिए। आप सुनिए, आपकी अजय संचेती पर बात नहीं कर रहे हैं हम, मुफ्ती साहब के बात के जवाब दे रहे हैं। मुफ्ती साहब ने जो मुझसे बात पूछी है, दो बात, अंजलि दमानिया पे बात नहीं कर रहे हैं, मयंक गांधी पे बात नहीं कर रहे हैं, हम भी वो आपके जो तीसरे है ना प्रशांत भूषण पर, बिल्कुल उन पर कर लीजिए, मैं कर रहा हूं उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार कर रहा हूं, उन पे बात नहीं कर रहा। जहां तक बातें कही हैं, दो बातें कही हैं उन्होंने, मुफ्ती कासिम साहब ने अपने हमून कासमी साहब ने, उन्होंने एक बात तो ये कही है हमने देश को धोखा दे दिया, तो जैसे जैसे आंदोलन चला देश ने भी देखा, मीडिया ने भी देखा, अगर हमने देश को धोखा दिया होगा तो हमारा ईश्वर, हमारा जन्म, हमारा भाग्य हमें धोखा देगा, लोग जूते मारेंगे सड़क पर, लोग देखेंगे क्या बोल रहे हैं, निश्चित रूप से हमारा अपराध माना जाएगा। अगर हमने सचमुच काम सही कर रहा होगा तो जनता साहब देगी। एक व्यक्तिगत आरोप उन्होंने लगाया, इसका जवाब मुझे देना नहीं चाहिए था, पर चूंकि वो बोले, उन्होंने मुझसे कहा तुम 20,000 के थे 1,00,000 के हो गए, ये मेरा काम है, मैंने किसी को रिवॉल्वर तो लगाई नहीं कि भैया तू मुझे कितने पैसे दे कविता पढ़ने के, या मैं टैक्स ना दे रहा हूं, या मेरे ऊपर टैक्स का छापा ना पड़ा हो। महाबल मिश्रा जी की सरकार ने सबसे पहले तो मुझे पकड़ा था कि मैं ही सबसे बड़ा अंबानी हूं, मेरे पास ही पैसे हैं, तो ये लगातार चर्चा चलती है। मैं तो अपने साथ जितना युवा था, जितनी क्षमता थी, प्रतिभा थी, कविता थी, भाषा थी, उसे लेके भ्रष्टाचार के आंदोलन में कूदा, और जो भी उसके लिए लड़ता रहेगा उसके पीछे चलता रहूंगा। जब लगा आंदोलन जो है थोड़ा सा ढुलमुल हो रहा है, पार्टी बन रही है, तो पीछे से धीरे से निकल के कुमार विश्वास साइड वाली गली में। आपको ये कैसे लगता है कि धीमे से, आपको लगता है कि मैं हर समय हूं, मैं 24 घंटे साथ हूं, दिन रात साथ हूं, और जिस दिन वहां भी अगर अरविंद केजरीवाल हमारे सारे साथियों को परिवर्तन के लिए चुनाव लड़िए कुमार जी, तो आप जनता चाहेगी हमारे आप जैसे प्रतिभाशाली वक्ता, उसके लिए दीपक चौरसिया जी, क्योंकि आप नहीं वोट दे पाएंगे, मेरी पार्टी के सदस्य नहीं है, जिस विधानसभा मेरे पार्टी के लोग कह देंगे कि कुमार विश्वास हमारा कार्यकर्ता है, आप चुनाव लड़िए, मैं लड़ लूंगा, उसमें क्या दिक्कत है, पर मैं दिल्ली से थोड़ी जाऊंगा। लोगों को एक साथ नहीं रख सके हो, 122 करोड़ देश को कैसे जोड़ सकोगे ये तो बता दो, ये बड़ा लाजमी सवाल है। 22 लोगों को आप एक उत्तर लीजिए, उत्तर लीजिए, उत्तर लीजिए, उत्तर लीजिए, उत्तर ये है कि जिस दिन कलमाडी जी के खिलाफ रिपोर्ट लगवाई थी उस गाड़ी में 5 लोग थे, क्यों 5 लोग थे, आप दीपक जी सुन रहे, 5 लोग थे कलमाडी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने पार्लियामेंट में गए थे,
जबकि आप हर बात पर आप लोग टेलीविजन कैमरा के सामने नहीं, आरोप क्या है? आरोप ये हम देश की नियत की बात थी दीपक जी, नियत से सही प्रश्न है कुमार जी, 22 लोगों को वो साथ लेकर नहीं चल पाए, ठीक है, ये मैं इसका उत्तर दूं, बिल्कुल ये लोग सब साथ आए थे तो ये अलग अलग विचारधाराओं से निकले हुए वो लोग थे जो देश के लिए सोच रहे थे, जिनमें शमून कासमी भी है, गौरव बख्शी भी है, कुमार विश्वास भी है। उसके बाद जब आंदोलन बड़ा होने लगा तो चीजों को लेकर लोगों के अलग अलग भेद थे, कोई कहता था पॉलिटिकल हो, कोई कहता था नहीं हो, कोई कहता था चुनाव लड़ो, कोई कहता था मत लड़ो, सिर्फ बाहर से फोर्स रहो, सबके अपने अपने विचार थे, सब अलग अलग दिशाओं में चले गए, जो एक विचार के लोग थे वो एक साथ रह गए, किसी और विचार के एक साथ हो गए, ये हर जगह पर है, हर आंदोलन में। अच्छा कुमार विश्वास, एक सवाल कर रहा हूं, आप बात पूरी सुनिए, आप बात, मैं आपके लेटर के संदर्भ में पूछना चाहता हूं, आपने एक लेटर इशू किया था खुला खत अन्ना के सामने और उस वक्त आपके लिए कहा गया था, मीटिंग में तय हुआ था कुमार विश्वास को अपने से ये भी दीपक चौरसिया जानते हैं, बिल्कुल बताया है, पत्रकार हूं और उसमें चार भाषा के लोग लेटर की भाषा रोक के देख लेंगे किसने लेटर लिखा है, लिखा तो आपने डिक्टेट उनने किया था, लैंग्वेज आपने दी, शब्द उनके थे। अरे कहना चाह रहा हूं, आप दीपक चौरसिया जी, अरविंद केजरीवाल मुझे दीख चौरसिया जी, जो मैं बात कहना चाह रहा हूं ये बड़े हैं, अन्ना को बात पूरी जो मैं कह रहा हूँ, उस वक्त आप वहां ये कहा गया मैंने कि भाई इसे मीटिंग क्यों खत्म कर रहे हो, आप उसमें नहीं आए थे, तो उस दिन ये था कि इसे कमेटी को डिसॉल्व कर दो, हमने पूछा भाई राज क्या है इसमें, कि भाई हम चार ही लोग तो काम कर रहे हैं, तो पांचवा नाम तुम्हारा नहीं था कुमार विश्वास उसमें, चलिए उस चार लोगों में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण और किरण बहन का भी था आपका सवाल, मगर चूंकि और उसके बाद जो पीसीआरएस की सवाल है, हम तो मेरा सवाल ये है, भ्रष्टाचारी मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल एक आदमी ने एक मिनट, मेरा सवाल ये है कि आपने चार लोगों ने क्या चार लोगों ने इस आंदोलन को चलाया, गौरव एक सवाल पूछना चाहते हैं, कुमार एक चीज जो वहां बहुत लोग थे हम सबको लगा था कि कंट्रोल एक या दो आदमियों की तरफ से हो रहा था, ये कौन से दो आदमी खुलासा करें, मेजर कंट्रोल अरविंद ले रहे थे, बिल्कुल वो फैक्ट है, मैंने भी देखा है, क्लोजअप भी देखा है, बाद में भी देखा है, सारी का सवाल क्या है, सारी मूवमेंट एक आदमी चला रहा था जो दूसरों की सुनने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए लोग वहां से अलग हो गए, ये बॉटम लाइन है, आप मुझे सवाल पूछिए, नहीं ये सवाल ही है, मैं बताता हूँ, पूरा आंदोलन अरविंद केजरीवाल ने हाईजैक कर लिया था, 22 लोगों को साथ नहीं रखते तो आगे कितने लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ भी ये दिक्कत होगी, मैं सिर्फ सुझाव दे रहा हूँ, इसको गौर से देख कर आप लोग आगे चलिए, अरविंद केजरीवाल के साथ कुमार विश्वास नहीं रहे, बाकी कोई क्या करे, नहीं नहीं आपको ये गलत फहमी है कि मैं अच्छा तो आपके साथ भी हूँ, नहीं आप तो मेरे साथ हमेशा रहेंगे, दूसरी चीज पार्टी बनाने दीपक चौरसिया के साथ भी हूँ, अरविंद केजरीवाल के साथ भी हूँ, दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, अब आप मेरा सवाल सुन लीजिए, आप गौरव बख्शी की बात को सवाल का जवाब, गौरव बख्शी कौन है जरा ये भी जानिए कि ये कितने बड़े फाउंडर में थे, इन्हें ऐसा अलग थलग कर दिया गया था इसलिए ये कुमार विश्वास से ज्यादा जहीन थे, जितने जितने होशमंद लोग थे उनसे दिया था, आप भी ज्यादा, अरे मेरा तो इसलिए था ना कि मैं तभी तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, चीज है कि हर आदमी मुझे ऐसा दूसरी जगह जाना है दीपक जी, नहीं आता पहले से देखिए, अगर आपको ये कहना है कि मुफ्ती कासमी एक तरफ से बोलेंगे तो अलग, आप सवाल पूछिए, आपने पूछा लोगों को बांध के क्यों नहीं रख पाए, अच्छा ये मैंने आपको मुख्यमंत्री आपने इसका जवाब दीजिए, इस पर नहीं, और मैं कहना चाहता हूँ परफॉर्मेंस नहीं करते हैं दीपक जी, एक बात कहना चाहूंगा, आपने एक सेकंड की है, मैं जा रहा हूं फिर तरह, मुझे कहीं जाना है, मैं बैठी आ जाता हूं, मैंने टीम अन्ना को मैं छोड़ के आया था और मैंने ये चैलेंज किया था कि अगर मेरे पास कोई रिकॉर्ड है तो आप साबित करिए, पूरी टीम बेईमान थी और उसमें जितने लोग थे, मगर कुमार विश्वास उस वक्त खामोश थे, मैं ये बात जरूर कहूंगा, इसलिए कि कुमार विश्वास खुद घेरे में थे, इन्हें यह कहा था अरविंद केजरीवाल ने कि तुम मुख्यमंत्रियों की दलाली करते हो और कुमार विश्वास असहज हो गए थे, वरना ईमानदारी के साथ बताएं कुमार विश्वास आज इस पे ही आपका इम्तिहान है, मेरा सवाल, मेरा सवाल क्या, अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास को कहा था के साथ बताओ क्या, अरविंद मैं सवाल पूछ लेता हूँ, मैं फेस कर देता हूँ, बड़ा सीधा सवाल है, छोटा सा सवाल है कि क्या अरविंद